मैम। थैंक यू सो मच। I am able to deliver, or whatever this journey has been, this would not have been complete without you guys. इतना भरपूर जो प्यार देते हो ना आप लोग मुझे, I am so blessed. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे reciprocate करूँ. आज भी बहुत सारे ऐसे इतने प्यारे प्यारे messages हैं, मैं सच में रो पड़ती हूँ messages देख के. Thank you so much. कोई इतनी प्यारी. Thank you. I wish कि मुझे पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, सच्ची बोल रही हूँ, इसको reciprocate करने के लिए. You are already doing it. You don't have to do it again and again. Right. Thank you so much. I just wish, मेरी एकदम अंदर से दुआ है कि मैं तुम सबको faculty of law में इस साल देखूँ, सबकी अच्छी अच्छी rank आए, ताकि हम उसको एक बेंचमार्क बना पाए इस बात का, दैट सच में पेपर अगर ढंग से पढ़ा जाए तो निकाला जा सकता है बहुत कम पैसों में और बहुत कम समय में. हमारे पास जो हमारी एनर्जीज, हमारा पैसा और हमारा टाइम है, वो बहुत बेटर चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए है. सिर्फ एक छोटे से एग्जाम को 15 दिन की पढ़ाई में निकाला जा सकता है. बट यू गाइस आर फॉर्चुनेट इनफ कि तुम लोगों को 2 महीने मिल गए हैं अप्रोक्सीमेटली तैयारी करने के लिए. But lot of you has started late also. Vivek is one of the example. Vivek ने start किया था शायद जब course भी complete हो गया था Vivek, है ना? कैसी चल रही तैयारी अभी Vivek? Have you completed your revision? मतलब course तो एक बार खत्म कर लिया होगा ना? Yes ma'am, I've completed the course and I'm revising it. Actually ma'am, after I attended the this course, I had to go through a surgery, so I am recovering from that also and I'm studying parallel with that, so it's pretty hard time, but yeah, I'm managing to study, but it's going very well. I hope I'll make it. Very good, Vivek. Now just imagine if you get through this examination, of course you will. Now just imagine ki you will have stories to tell. Though I went through an surgery or I had to manage, but still I am here with this rank card, still I am here in this faculty of law. So everything happens for a reason. एक चीज और, हमारे इस बैच में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं भी जिन्होंने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था, और जब लास्ट ईयर पेपर देने के बाद पेपर क्लियर नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम खुद को बोलते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा, या फिर लास्ट नेक्स्ट ईयर में ये जरूर करूंगा. तो एनी ऑफ यू जो अपना ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करना चाहे कि यार पिछले साल मुझसे ये गलती हुई थी इसलिए पेपर नहीं निकला, या फिर पिछले साल मैं ये नहीं कर पाया था इस साल मैं वो करूंगा. ख्याति, उदित, सान्या, आई नो कपल ऑफ देम, इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस, वी कैन स्टार्ट विद ख्याति. ख्याति, वुड यू लाइक टू शेयर? यस मैम. मैम लास्ट ईयर मतलब मैंने एक्चुअली उतनी अच्छे से तैयारी नहीं की थी, क्योंकि ना मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा था, डीपली नहीं पढ़ा था. मतलब आपके नोट्स तो बहुत अच्छे थे, बट मुझे लगा कि ना मतलब एग्जाम नॉर्मल आता है तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लेती हूँ कि मतलब डॉट क्या होता है, कॉन्टेक्ट क्या होता है, किसी क्या होती है. बट जब क्वेश्चन मैंने देखा, पूरा पैटर्न चेंज था पहली बात तो ये, एंड क्या बोलते मैं देख के ना वहां पे नर्वस हो गई थी बहुत ज्यादा, कि जो मैंने पढ़ा उसमें से मुझे ओनली 30% आता है. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि कुछ ना होने से अच्छा कुछ हो जाए, तो मैंने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे. ओके, तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मतलब फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मतलब वैसे मार्क्स तो मैंने देख, मतलब जितने मेरे सही थे उसके अकॉर्डिंग तो 196 बन रहे थे, बट वो डिडक्ट होके 132 पे आके रुक गए. तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम ये सजेस्ट करोगी कि तुक्के नहीं मारने चाहिए? यस मैम, बिल्कुल. तो जितना आए उतना करो. मतलब आप लग रहे हो कि हाँ ठीक है आप पास हो जाओगे, 50% मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो ठीक है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 में आपको डाउट है 2 क्वेश्चनों में, तो आप सिर्फ 10 क्वेश्चन पे तुक्के मार सकते हो मेरे हिसाब से, ज्यादा नहीं. ठीक है, ठीक है. अब्दुल, मैं तुम्हें म्यूट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे वहां से शोर आ रहा है. ठीक है, जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना. ओके, सान्या, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? सान्या इज वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड गर्ल वी हैव इन अवर ग्रुप. सीरियसली, उसका चाहे आर्ट कहो या फिर उसका स्पोर्ट्स कहो, शी हैज इनटू मेनी स्पोर्ट्स ऑल्सो. तो इसने काफी सारे अलग अलग पेपर भी दिए. इस बार इसका SSB का इंटरव्यू भी है अभी, है ना सान्या? तो I'm very sure कि इसका experience आप सबके काम आ सकता है. Sanya, would you like to share your experience and your learnings? Yeah, ma'am. Basic thing is कि
मैं हमेशा पेपर करने के तरीके से रह गई थी। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अटेम्प्ट इतना कर लिया था कि मेरे क्लियर हो जाता एग्जाम आराम से, बट फिर जब मैं दोबारा रिवाइज कर रही थी, आई हैड वन आवर लेफ्ट विद मी, मैं जब दोबारा रिवाइज कर रही थी तो लाइक मैंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा जिन क्वेश्चंस में मेरे को 10% श्योरिटी थी, और उनको छोड़ दिया जिनमें मेरे को 70% श्योरिटी थी, तो मैं यहाँ पे रह गई थी। एंड सो अगेन वी कैन से कि तुमने तुक्के ज्यादा मारे हैं, कैन वी से सेम? तुक्के ज्यादा तो नहीं, पर मतलब अगर मैं दूसरे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती, जो मुझे जैसे एक गोल्डन ट्रायंगल वाला आया था, आई वाज 99% श्योर कि 14 19 और 21 होना चाहिए, बट आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैंने कुछ और मार्क कर दिया ऐसे। ठीक है ठीक है। उदित, यू हैव समथिंग टू शेयर विद अस? बेसिकली मॉक्स है, बिकॉज लास्ट ईयर जब हमें कोई पेपर का आइडिया ही नहीं है किस टाइम मैनेजमेंट में कितने क्वेश्चंस करने हैं। अभी रिसेंटली बीएचयू का पेपर था, तो मैंने बीएचयू का कोई प्रीवियस अटेंड नहीं करा, मैंने सारे देख लिए थे। अब अटेम्प्ट मालूम नहीं कितने टाइम में कितना करना है, एंड में जाके मैथ्स के क्वेश्चन में फंस गए। अटेम्प्ट सारे करे बट हम स्ट्रगल कर रहे थे पेपर के टाइम। ठीक है, वही है कि डीयू के सारे आप मॉक्स करके जाओ, हर चीज करो, तो मैम कोई फिर बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाता है कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्ट ईयर कुछ ऐसा नहीं था, कुछ मॉक्स नहीं करे, कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही चले गए। हम श्योर भी नहीं था कि जाना है लॉ की तरफ, तो वही वाली थी। ठीक है, सो इन सब की लर्निंग से कोई और बताना चाहेगा? एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? नो। हां कौन? आई एम कार्तिक। अनुशिका, कार्तिक हां प्लीज। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। मैम हैप्पी टीचर्स डे एंड ब्यूटीफुल मैम टुडे। थैंक यू। तो मैम माय जर्नी वाज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। मैम जब लॉयड में मैम क्लासेस हो रही थी, डीयू जो एबीवीपी ने ऑर्गेनाइज कराई थी, उसके बाद आपकी क्लासेस होती थी। हां हां। मैम शुभम था, एक शुभम श्रीवास्तव था, मेरा बहुत फ्रेंड था। तो मैम मैंने उस कोर्स को 7 डेज आफ्टर ज्वाइन किया था। पेपर आई गेस जुलाई एंड वो जो देवेंद्र सर का दोस्त था वो शुभम। हां जी मैम, हां जी हां जी, शुभम श्रीवास्तव मैम, लॉ फैकल्टी में आ गया वो। तो मैम मैंने 7 to 8 डेज ही प्रिपेयर किया था उसके लिए, शुभम की गाइडेंस से। शुभम ने मुझे फिर बताया था कि मैथ मैम की क्लासेस में क्यों नहीं आया, वो भी हो रही थी, वो क्लास के बाद ही होती थी एक्चुअली। तो मैम मैंने 7-8 डेज प्रिपेयर करके, मैम मैं 56 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे, मैं 70 करके आया था, तो 224 बन रहा था टोटल, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है जैसे 192-194 पे रुक गया था मैम। तो अगेन द सेम एक्सपीरियंस, अगर हम क्लब करते हैं चारों के एक्सपीरियंस को, कि एक तो आपको अपनी नेगेटिव स्कोर पे ध्यान देना है, आपको नहीं आता तो आपको नहीं करना, अगर आपको तुक्के लगाने भी हैं तो उनमें लगाने हैं जिनमें आप ज्यादा श्योर हो कंपैरेटिवली जिनमें आप कम श्योर हो, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज एज उदित सेड कि जब तक आप मॉक्स नहीं लिखोगे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा सेक्शन कितनी देर में खत्म करना है। सो आप सिर्फ ये मत सोचो कि आप पढ़ते जा रहे हो और फिर पेपर 2 घंटे में खत्म करना है। सब कुछ आना इज नॉट नेसेसरी, सब कुछ करना इज इम्पॉर्टेंट, है ना। गॉड फॉरबिड पेपर में सब ब्लैकआउट हो गया और आपको सब आता हो, तो so it is very important that how you are taking it, how you are attempting it. मैं लोगों आप लोगों को थोड़ा डराती रहती हूँ वैसे क्विज विज करा के और ऐसे डांट वांट के कि तुम लोगों की तैयारी नहीं है, पर तुम लोगों की तैयारी अच्छी है मुझे पता है। तुम लोग सब कर लोगे मुझे पता है, तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं जरा सा भी लीनियंट हो जाऊंगी तो तुम छोड़ दोगे, so I have to be very strict on this. ओके एंड आज ऑलरेडी 5th पे हैं हम, वेडनेसडे को हमारा एग्जाम है, तो ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से हम लोग साथ में हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस जर्नी वुड नॉट हैव बीन कंप्लीट और सो ब्यूटीफुल विदाउट योर कोऑपरेशन, वरना तुम लोगों का जो ऐसा है ना एकदम जी हाँ बस ठीक है, आपके भरोसे ही हैं जो ब्लाइंड ट्रस्ट है। बिल्कुल सच्चे मैम आपके भरोसे ही है। तो जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना उसी ने मुझे रातों को भी ऐसे कि नहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल कि कोई मुझ पे विश्वास कर रहा है, अगर वो विश्वास आप लोगों ने नहीं दिखाया होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते।
और दूसरी बात ये भी, अगर नहीं भी हुआ पेपर, गॉड फॉरबिड नहीं भी हुआ, तो भी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स एब्सोल्युटली नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. बट हाँ, बहुत बार ऐसा होता है हर साल, क्योंकि दिस इज द सिक्स्थ ईयर वी आर डूइंग दिस, हर साल ऐसा होता है कि जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता वो मेरे पास आकर एक ही बात बोलते हैं, एंड आई होप ख्याति, उदित, सान्या, एनीबडी वुड अग्री टू दिस कि मैम काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती, आपने तो पढ़ाया था पर काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरा पेपर निकल जाता. ख्याति, सान्या, पढ़ाया था उसी को तो मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग जिनका पहला अटेम्प्ट है वो कभी आकर मेरे पास ये बात कहें कि मैम आपने तो पढ़ाया था लेकिन काश हमने थोड़ा और पढ़ लिया होता. सच्ची बता रही हूँ, उससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ना मेरे लिए कुछ नहीं होता. उस समय तो मैं आप लोगों को शायद चीयर करने के लिए इधर उधर की बातें कर दूंगा, अरे कोई बात नहीं, जिंदगी है, ये है, वो है, बट मैं बहुत हर्ट होती हूँ. ठीक है, सो आज की क्विज स्टार्ट करते हैं, ज्ञान खत्म हो गया हो तो. चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है बड़ा आसान सा, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है. अब्दुल, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लेजिस्लेचर. अनम्यूट करो. जो जी जी जो कानून बनाते हैं मैम, कानून बनाना. कौन कौन आता है उसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय. प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है, विधानसभा आती है, विधान परिषद आता है, पार्लियामेंट. मैम पार्लियामेंट, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट पार्लियामेंट, व्हाट डज पार्लियामेंट इंक्लूड. मैम लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में यही, बाकी स्टेट नहीं. बस ये तीन, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में तीन आते हैं. जी जी, हाँ, जी. लोकसभा, राज्यसभा और द प्रेसिडेंट. ठीक है, और प्रेसिडेंट. चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि ऑप्शंस पढ़ोगे, ध्यान से सुनना. आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फॉर द ऑप्शन वन नेशनल असेंबली, स्टेट नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बोथ बी एंड सी. मनीष खंडेलवाल, बोथ बी एंड सी. बोथ बी एंड सी, ऑल अग्री. सिर्फ स्टेट इमरजेंसी नहीं लगती है, स्टेट इमरजेंसी आई एम श्योर कि सबको पता होगा 356 में होती है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है तो भी 356 ही लगेगा. कितनी बार लग चुका है ये, कार्तिक बता सकते हो 356 कितनी बार लग चुका है. कार्तिक, कहाँ पे, कौन सी स्टेट में, कितनी बार, स्टेट पता नहीं कौन सी स्टेट में लग चुका 356. नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कितनी बार लग चुका है आज तक 356 में जो इमरजेंसी गिवन है वो कितनी बार लग चुकी है. हम कह सकते हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, अगला क्वेश्चन आ गया. आ गया बेटा, वीडियो ऑन कर लो. यस, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था, उस जब वो आया था तो उसके अंडर हमने किसी चीज को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि अब से वो क्राइम नहीं है. तो आज्ञा नहीं बताएगी, आज्ञा को तो बस मुझे वीडियो ऑन करवाना था. पीयूष बताएगा आंसर. पीयूष, पीयूष तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाता कभी मुझे. मैम ऑप्शन दे दो. ऑप्शन नहीं दूंगी मैं. अपना मत करना पीयूष, तेरी तो पक्का रैंक आ जाएगी बेटा, तू टेंशन मत. चलो प्राची, प्राची बहुत मन करता है आंसर देने का, सबके आंसर देती है ये.
प्राची अटेम्प्ट टू सुसाइड कौन से सेक्शन में है आईपीसी के? 309. ठीक है, ओके. अनुषिका, डाउरी डेथ कौन से सेक्शन में है आईपीसी के? 304B. ठीक है, आज टीचर्स है ना, इसलिए मैं आसान क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो. हाँ बहुत आसान. चलो मुझे ये बताओ, सोचना पड़ता है ना मुझे थोड़ा सा. पांडिचेरी हाईकोर्ट जो है, सॉरी पांडिचेरी का जो जुडिशरी वो है, ज्यूरिसडिक्शन है, वो कौन से हाईकोर्ट के अंदर आता है? पूर्णिमा, तमिलनाडु. हाँ तमिलनाडु. मुंबई, मद्रास हाईकोर्ट. यस मैम. ठीक है, लाडू. मुझे बताइए कि जो थ्री टायर सिस्टम आया था हमारा, यू नो ऑल थ्री टायर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम. यस मैम. तो वो कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था? प्रिया B442 1442. प्रिया कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? बलवंत राय. आगे बलवंत राय मेहता. 1957. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू विच एक्ट? ऑप्शंस दे रही हूँ, ऑप्शन सुनिएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, Government of India Act 1935, Government of India Act 1858, या फिर Government of India Act 1919. कीर्ति बेटा, कृति. Government of India Act 1919. आयुष, तुक्का नहीं मारना. कृति ऐसा नहीं करना कि सुना हुआ है तो मार्क कर दिया. अनलेस ये गलती हम करते हैं पेपर में कि यार 1919 हमने बहुत बार सुना है, या फिर 1935 हमने बहुत बार सुना है, ऐसा नहीं करना. अनलेस यू आर वेरी श्योर यू डोंट हैव टू मार्क इट. यही गलती पेपर में भी होती है. आयुष पांडे, 1935. करेक्ट आंसर इज 1935. विनीत, क्या तुम मुझे बताओगे ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं होता क्या? वो जहां पर राजाओं का अधिकार होता था, क्या उनका क्या प्रिंसली स्टेट्स, क्या उनका प्रिंसली स्टेट्स का क्या मतलब, वो अंग्रेज और राजा दोनों मिलकर वो स्टेट को चलाते थे. तो फिर ऑटोनॉमी कैसी रही अगर दोनों मिलकर चलाते? मैम वो कुछ परसेंट अंग्रेज को दे दिया जाता था, बाकी वो रखते थे कर का. तुम लोग ना पीएचडी कर लो तुक्के मारने में. नाम से समझ आ रहा है कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दिया गया था. प्रोविंसेस जितनी भी थी हमारे पास, जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी, उनको ऑटोनॉमी दिया गया था कि आप अपने हिसाब से चल सकते हो. इधर यू वांट टू बी हेयर और यू वांट टू बी देयर. ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका खुद के ऊपर राज है, आप खुद ऑटोनॉमस हो. तो ये सारी बातें 35 से ली गई थी. ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक हम. ओके, मुझे ये बताइए कि मनी बिल की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी हुई है? तोशिबा, कौन सी? हाँ, तोशिबा बता चुकी है वैसे भी. बता बच्चे, 110.
जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें 100 या 101 रुपए का लिफाफा बना के दिया जाता है ना, तो बस एक को इधर कर देना, मनी बिल इज 110। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर हम ये कहें दैट वी हैव टू फाइंड द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मुझे एम देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है, वो मुझे कहां मिल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मुझे बताएगा स्नेहा, बेटा वीडियो ऑन कर लो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज। स्नेहा आर यू देयर? चरण आप मुझे बता सकते हो? अभय कुमार, क्वेश्चन क्या था? मैं बताऊं? प्रीएम्बल मैम। हाँ बताओ। प्रीएम्बल आंसर इज प्रीएम्बल। चलो ठीक है, अब हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए फटाफट से। ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ साथ जवाब दे सकते हो जिस चीज को आता है। सो आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन एंड इट्स अ वन वर्ड रैपिड फायर क्वेश्चन। ओके, सब कॉन्स्टिट्यूशन से है। सो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स इज मेंशन इन आर्टिकल 1। अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। आर्टिकल 1 मैम, अगला क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अंडर विच अ फर्दर डिबेट ऑन अ मोशन कैन बी स्टॉप्ड। उसको क्या कहते हैं कि बाद में ए फर्दर डिबेट कैन बी स्टॉप्ड? सेंसर मोशन। क्या बोलते हैं? क्लोजर मोशन। Closure. Okay, next. When does a bill presented in parliament becomes an act? When president signs on it. Sign up for president. When signed by the president. Assented by the president. Next. What is the minimum age of the candidate for the post of president of India? 35. Next question. A candidate seeking elections to state assembly. State assembly. Minimum age. 25. Council of states. 30. Vidhan Sabha, Vidhan Parishad. Vidhan Sabha ke liye 25. Vidhan Parishad. 30. कितनी स्टेट्स में विधान परिषद है? नाम? तुम्बक। तुम्बक, ओके गुड। हु कैन रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर। टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, कौन सा है? प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन कितने साल के अपॉइंट किया जाता है? 5 years. 112 आर्टिकल। 180। अच्छा आर्टिकल बता रहे, मुझे लगा 112 साल के अपॉइंट कर रहे। ओके, High Court consists of Chief Justice and other judges. Who determine other judges? President. Okay. Next question. Who can remove the judge of a High Court from his office before the expiry of his term? President. जिन लोगों का वीडियो ऑफ है प्लीज ऑन कर लो, मुझे ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में जब तक तुम लोग दिख नहीं रहे होते हो। अब तो खत्म हो रहा है मैम, कैमरा खराब है मैम, कैमरा खराब प्रॉब्लम है मैम। ठीक है, बाकी लोग ऑन कर लो।
मेरे को ऐसे मजा नहीं आता. देखो तीन दिन हम हार्डली मिलने वाले हैं, एट्थ को तुम्हारी क्लास नहीं है, दो दिन और बचे हैं बस, मुझे नींद ही नहीं आएगी. अगला क्वेश्चन, आजाद ऑफ अ हाई कोर्ट पिट एड्रेस इज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. President. Supreme Court of India holds the office till the attainment of age of 65 years. 65. A member of Lok Sabha may vacate his seat before expiry of his time to resignation to Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha. A money bill. A money bill can originate in Lok Sabha or Rajya Sabha or both. Lok Sabha only. Money bill की बात कर रहे हैं हम. Article 110. Only money bill. ठीक है? What is the administrative authority of the block level? Video. ब्लॉक लेवल किसको रिपोर्ट करता है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को. पंचायत समिति. डिस्ट्रिक्ट को करेगा ना. पंचायत समिति. हाँ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. जिला परिषद. जिला परिषद. अगला. योर पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड. In how many hours does he have to 24 hours. 24 hours. Okay. An ordinance is issued. Ordinance pata hai na sabko kya hota hai? 123. Yes, 123. No, suno. An ordinance is issued by a governor can remain in force on its own for the maximum period of six months. Simple sa question. Who can participate in proceeding of both the houses even without being a member? Attorney General. What is the duration of Attorney General of India? Three years, but not ma'am, 3 years, but not fixed. During the pleasure of president. President. Not mentioned. He works under pleasure of the president. Yes. Under which article president can be impeached? 61. And under what grounds? Violation of constitution. Which article says there has to be a government to governor to each state? 153. बहुत बढ़िया ख्याति. Very nice. शाबाश. Which is the top most urban local government? Jilla Parishad Corporation. Urban. Municipality. Municipality. Municipal corporation. Municipal corporation. Who was the first interim president for the Constitution Assembly? Sachidanand Sinha. For how many days? Two days. Last question. It's easy, sir. What are the following articles? In which article does the it is mentioned related to the amendment of the Constitution? 368. कितने तरीके के methods दिए हैं उसमें? Simple majority, special majority, two-third, or by state ratification.
ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, तो हम लोग मिलते हैं अब कल। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है कि मॉक लिखो। अब आप लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है, नई चीज उठाओगे पढ़ाई नहीं हो सकती है। अब ये भूल जाओ कि तुम लाखरी के दो दिन में कुछ पढ़ सकते हो, तुम सिर्फ रिवाइज कर सकते हो और साथ साथ में अपना टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू सी कि जो भी कुछ कर पा रहे हो वो मिनिमम टाइम में कर पा रहे हो या नहीं। ओके, टाइम टेबल बनाने को बोला था, बना, कुछ ही लोगों ने शेयर किया है मेरे साथ। दो दिन बचे हैं, वो उस मूवी का चक दे इंडिया का डायलॉग है ना कि ये, हाँ, तो अब ये लास्ट के चार दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इसमें अपनी पूरी जान लगा दो, डू एंड डाई। इतना भी मत कर देना कि 9 तारीख को बेहोश हो जाओ। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बारी, इन द ईयर आई थिंक 2011 में मेरा एसएससी का मेंस था जब, तो मैंने इतनी पढ़ाई करी थी कि मैं मेंस वाले दिन ब्लैकआउट हो गई थी और बिल्कुल मुझे लग रहा था ये क्या लिखा है। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जाम मैं बहुत रोई थी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी और मुझे पता है कि तुम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है सबने, इतना रात दिन तुम बस पढ़ते रहते हो, कोई फेसबुक नहीं करता, कोई व्हाट्सएपिंग, कोई चैटिंग नहीं है, कोई बाहर नहीं जाता, किसी को कोई नेटफ्लिक्स अमेज़न किसी से कोई मतलब नहीं है, सब पढ़ रहे हो। ठीक है मैम, मैंने तो सच में फेसबुक भी एक्टिवेट कर दिया मैम, मैम सेम ईयर, सेम ईयर बहुत टाइम से छोड़ रखा है ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है मैं सरकास्टिकली बोल रही हूँ? नहीं तो चलो आप पढ़ लो और हम लोग मिलते हैं कल दोबारा से। हैप्पी टीचर्स डे अगेन टू ऑल ऑफ यू, आई एग्जिस्ट ओनली बिकॉज यू ऑल आर देयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। उन्नीस सर की क्लास में मैम पुनीत सर की क्लास है ना 5 बजे से। ठीक है, यू कैन लॉग इन अगेन। मैम एक क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन था सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में वर्क, उनका वर्क क्या होता है सॉलिसिटर? वो स्टेट के लिए होता है, वो यूनियन के लिए होता है। मैम सॉलिसिटर जनरल तो सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं ना इंडिया के। सॉलिसिटर जनरल को आप अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट मान, असिस्टेंट मान सकते। यस मैम। आगे, और बट दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या विवेक? बट दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हां दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बट मैम स्टेट के तो एडवोकेट जनरल भी होते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आर्टिकल 165, आर्टिकल 165। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया जहां आ जाएगा वो यूनियन, स्टेट जहां आ जाएगा वो स्टेट, सिंपल। मैम एक कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल, हां मैम रिगार्डिंग ऑक्शन में जब सेल होती है तो हम एक बिड करते हैं, तो वो एक्सप्रेस ऑफर होता है, इंप्लाइड ऑफर होता है, आपके उसमें इंप्लाइड ऑफर लिखा है बट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ना एक बिड, तो एक्सप्रेस ऑफर में आपके में राइट आंसर इंप्लाइड ऑफर। ऑक्शन में, ऑक्शन में तो इनविटेशन होता है, इनविटेशन टू ऑफर अगर ऑफर इंप्लाइड ऑफर और ये सब थे, मुझे दो ही ऑप्शन याद है। इनविटेशन टू ऑफर होगा तो फिर इनविटेशन टू ऑफर होगा, नहीं हम जब ऑक्शन में बिड करते हैं कोई बिड कर रहा है तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर है कि इंप्लाइड ऑफर है? इंप्लाइड ऑफर है वो, देन वो बिड पूछ रहा है, वो ऑक्शन नहीं पूछ रहा, वो बिड की क्वेश्चन, पूर्णिमा ध्यान से सुनो, वो बिड पूछ रहा है कि जब मैंने बोली लगाई वो कैसा ऑफर है, ऑब्वियसली दैट इज अ एक्सप्रेस्ड ऑफर, एक्सप्रेस्ड ऑफर है आंसर, सुना इंप्लाइड ऑफर लिखा हुआ था, कोई बात नहीं मैं रीचेक करवा, बाय मिस्टेक होगा, हां इट इज एन एक्सप्रेस्ड ऑफर। लेकिन अगर हम ऑक्शन की बात करें, व्हाट टाइप ऑक्शन इज दैट इज एन इनविटेशन, इनविटेशन है मैम। मैम कल आपने बोला था ना 15 क्लॉज 5-4 जो ऐड हुआ था वो चंपकम दोईराजन वाले केस से ऐड हुआ था, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जो ऐड हुआ था वो संग्री प्रसाद एक्ट से ऐड हुआ था ना। हां हां बेटा, संग्री प्रसाद तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। यस मैम, वो मैंने पढ़ रही थी, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग। पूछो पूछो अनुष्का। नहीं, मुझे कुछ नहीं। अच्छा, और किसी को? मैम स्टेट इमरजेंसी है, वो यूपी में लगी है या फिर मणिपुर में, क्योंकि मैंने काउंट ऑफ चेक किया
ज्यादा यूपी में लगी है मैम, यूपी में टाइम टाइम यूपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ड्यूरेशन पंजाब है मैम, ड्यूरेशन पंजाब है ठीक है ओके चलो बाय पढ़ लो अच्छे से प्लीज मॉक दे दो आज और टाइम टेबल बना लो दो दिन बचे आखिरी के फ्रूट खा लिया यू हैड योर फ्रूट मैम यूएन में क्या क्या करना होगा यूएन में कर लिया यूएन में जितने प्रेसिडेंट पुनीत सर से पूछ लेना पुनीत सर से पूछ लेना आज ओके मैम ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू एवरीवन थैंक यू मैम हैप्पी टीचर्स डे मैम थैंक यू सो मच बाय हैप्पी टीचर्स डे बाय मैम